जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? कमेंट करके बताया करो, क्योंकि कमेंट करने से ही चीज़ें क्लियर होंगी। और भी कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी रहती है या कुछ वीडियो में साउंड प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा रहे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और कक्षा 12वीं का पहला अध्याय, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्रिस्टल क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, कितने प्रकार के, उनके अंतर क्या हैं, ये सारी बातों आपको डिटेल में हमने कवर की हैं। आज का जो वीडियो होगा ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस पूरे चैप्टर का। तो पहले से ही कॉपी में हेडिंग डाल लो भाई कि इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो चलिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट में हम लोग को क्या क्या कवर करना है आज। इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिफरेंट टाइप के एकक कोष्ठिका, मतलब जो यूनिट सेल होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो यूनिट सेल पढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटी मोटी बात है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान देना कि एक जो यूनिट सेल हम लेते हैं ना, वो सामान्यतः हम कैसा लेते हैं, क्यूबिकल लेते हैं, मतलब घनीय लेते हैं। तो ये मान लीजिए मेरा एक क्या है, क्यूबिकल यूनिट सेल है, ठीक। थोड़ा सा डिजाइनदार बना देते हैं इसको। ये मान लीजिए क्यूबिकल यूनिट सेल है। तो एक जो क्यूब होता है ना प्यारे बच्चों, इस एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो याद रखिए इस क्यूब में कितने कॉर्नर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये छठवां कॉर्नर, सातवां कॉर्नर और ये आठवां कॉर्नर। तो कोने कितने हैं एक क्यूब में, मतलब कॉर्नर कितने आते हैं, तो याद रखिए एक घन में 8 कॉर्नर आते हैं। ये बातें पता रहती हैं, पर थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अभी निकालने वाला हूँ और वो पूरे का पूरा काम आने वाला है हमको इस लेक्चर में, जगह जगह पे। तो कोने 8 होते हैं। अगर बात करूं मैं फलक की, फलक जिसको हम क्या नाम देते हैं, फेस, तो भैया कितने फेस होंगे, तो आप देख पाएंगे कि जैसे मान लीजिए मैं ना आपके थोड़ा सा इजी करने के लिए ये आप लोग को एक क्यूब ला दिया हूँ, ठीक। अब इस क्यूब में एक फ्रंट फेस ये है पहला फलक, उसी के पीछे दूसरा, फिर एक ऊपर एक नीचे, 4 हो गए, फिर एक बाएं और एक दाएं। टोटल कितने फलक होते हैं एक, ये नीचे गिर गया, एक क्यूब में कितने फलक होते हैं, तो भैया 6 फलक होते हैं, ठीक। इसी में अगर मैं आपसे बोलूं कि भुजाएं कितनी होंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे से 7, 8 और पीछे के भी देख लो, तो भैया 9, 10, 11, 12, तो एक क्यूब में कितनी भुजा होगी, भुजा मतलब एज, एज कितनी होती है एक घन में, तो 12 एज होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं। ये एक घन की प्रॉपर्टी है। अब आपको इसमें क्या सीखना है, तो आप ध्यान समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो ऐसा, थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूं ना, ठीक है, ध्यान देना ना। अगर मैं आपसे बोलूं ये, चलो अब मैं इसको मिटा दिया, मैं बात कर रहा हूं पहला कि अगर मान लीजिए कि केंद्र में कोई परमाणु उपस्थित हो, केंद्र में परमाणु उपस्थित हो, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब अगर केंद्र में परमाणु उपस्थित है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो याद रखिए कि अगर एक क्यूब है, एक डिजाइन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम आया होगा आपके सामने कि वो जो परमाणु है उस घन के क्या है, बीचों बीच में स्थित है। तो यहां पर उसके परमाणु उस क्यूब के अंदर जो उपस्थित है उसका कंट्रीब्यूशन बताना है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि अगर मान लो इसके बीचों बीच में ना, अंदर अंदर इसके, जैसे एकदम ये जो पूरा घन है, अगर ये खोखला रहता और उसके अंदर अगर एक परमाणु आ जाता तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता, उस एक परमाणु को कवर करने में ना आपको ना पूरा क्यूब गिनना है कि उस एक परमाणु को घेर देने के लिए हमको कितने घनों की जरूरत पड़ेगी। तो भैया एक परमाणु को घेरने के लिए कितना घन, तो साफ साफ डायग्राम में ही क्लियर है कितना, एक परमाणु को घेरने में एक घन लग रहा है, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है 100%, मतलब वैल्यू क्या आ गया 1। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर मान लो फलक के केंद्र पर कोई परमाणु रहता, फलक के केंद्र पर परमाणु, ठीक है, फलक के केंद्र पर परमाणु मतलब समझना ना, इसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा। जैसे ये एक फलक है और फलक के केंद्र पे मैंने एक परमाणु रख दिया। अब ये परमाणु क्या है, आधा इस घन के अंदर है और आधा क्या है, बाहर है। अब उस परमाणु को पूरा कवर करने के लिए, उस परमाणु को पूरा कवर करने के लिए कितने घन लगेंगे, तो एक घन तो यही है जिसके अंदर वो आधा घुसा हुआ है,
और एक घन हम लोग को सामने से लाना पड़ेगा। ये दोनों घन जब आपस में मिलेंगे ना, तब वो परमाणु पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इंक्लोज्ड हो जाएगा, मतलब घिर जाएगा। तो आप बताइए कि दो घन मिलके एक परमाणु को पूरा कवर किए। अब मैं अगर ये पूछूं कि उस परमाणु का एक घन में क्या हिस्सेदारी था, कितना हिस्सा था, तो आप बोलेंगे सर 1/2। ठीक है, तो यहां पर सीधे कितना हिस्सा था भैया, 50%। सिंपल सी बात है। और अगर मान लीजिए यही आपका परमाणु, ये परमाणु आपका भुजा के केंद्र पर आ जाए, भुजा के केंद्र पर अगर कोई परमाणु आ जाए, सोचना है ना बस, ठीक है। अगर मान लो भुजा के केंद्र पर परमाणु, क्योंकि ये सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन के सामने आएंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर भुजा के केंद्र पर परमाणु है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मेरी एक भुजा है, ठीक है। अब मैंने ना यहां पर आप लोग को एक परमाणु, एक गोल परमाणु रख दिया, दिख रहा है ये। अब आप सोचो कि इसको, इस परमाणु को पूरी तरह से कवर करने, घेर देने के लिए चारों दिशाओं से कितने नए घन लगाने पड़ेंगे। तो ध्यान देंगे, अगर ये एक घन है और यहां इस घन के भुजा पे अगर आपने एक गोल परमाणु रखा है ना, तो एक घन तो सामने से चाहिए, दो, ठीक है। पर ये उसका आधा ही हिस्सा, उस परमाणु का भी आधा ही हिस्सा घेरा गया है, आधा जो उसका ऊपर का मुंडी है वो अभी भी स्वतंत्र है। तो उसको पूरा कवर करने के लिए ना दो घन और ऊपर से चाहिए। तो कितने घन चाहिए, चार घन चाहिए। चार घन मिलकर, चार क्यूब मिलकर उस परमाणु को जो भुजा के केंद्र में था, उसको पूरा क्या कर रहे हैं, इंक्लोज्ड कर रहे हैं, घेर रहे हैं। इसलिए अगर मैं पूछूं कि उस परमाणु का एक घन में कितना हिस्सेदारी था, आप बोलोगे सर 1/4 था, मतलब कितना था, 25%। आ रहे समझ में, एकदम आसान है कि नहीं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर कोनों पर परमाणु हो, परमाणु इस बार कहां पर हो जाए, कोनों पर, जो एटम है हमारा वो कोनों में रखा है, लाइक दिस। मान लीजिए यहां पर मैं ये एटम एक ठोक रख दिया। अब इसको हम लोग को पूछना है कि इसको कवर करने में कितने घन लगेंगे। तो एक ये, एक बगल में दो, दो सामने से चार। जब ये चार हुए ना, तब उसका आधा ही हिस्सा कवर हुआ है, ऊपर का आधा उसका क्या है, गुंबज अभी ढकाया नहीं है। तो चार घन ऊपर से और लगाने हैं। तो टोटल कितने घन मिलके कोने के परमाणु को पूरी तरह से घेर पा रहे हैं, तो आप साफ साफ समझ पा रहे हैं, आठ घन, आठ क्यूब मिल रहे हैं। तो कॉर्नर का जो एटम है वो पूरी तरह से इंक्लोज्ड हो रहा है, कवर हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि उस एक एटम का एक क्यूब के अंदर कितनी हिस्सेदारी थी, तो आप बोलेंगे सर 1/8, मतलब 12.5%। क्योंकि भैया आठ लोग मिलके तो 100% कर रहे हैं, तो एक एक के अंदर उसका कितना हिस्सेदारी है, 12.5%, मतलब 1/8। ये डाटा, ये वैल्यू आपको याद रखना है ना, ये किस केस में कितनी वैल्यू आ रही है, ये आपको याद रखना है। कि अगर मान लीजिए अगर पूरे घन के केंद्र पर परमाणु हो, तो उस समय उसका कितना लेना, कंट्रीब्यूशन 1। फलक के केंद्र पर हो तो 1/2 लेना, भुजा के केंद्र पर हो तो 1/4 1/4 लेना, और अगर कोने पे कोई परमाणु रखा जाए तो उस समय उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/8 आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अब हम एक एक जो हमारा लैटिस है उसको हम लोग को डिटेल में पढ़ते जाना है। तो चलो अब हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे सबसे आधारभूत संरचना से, और वो आधारभूत संरचना क्या है, फर्स्ट पॉइंट, सिंपल क्यूबिक बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी नाम लिखवा दे रहा हूं मैं, सिंपल क्यूबिक, या इसी को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे, सरल घनीय, सरल घनीय, या आद्य केंद्रित। याद आ रहा ना, पिछले कक्षा में तो हम लोग पढ़े थे ये सारी चीजें, आद्य केंद्रित, वही एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। होता क्या है, तो कुछ नहीं, डायग्राम आपके सामने आ चुका है कि ये एक ऐसी संरचना होती है, ये एक ऐसी संरचना होती है जिसके आठ कोने, आपको अभी भी पता चला कि भैया घन की बात होगी तो घन में कितने कोने होंगे, आठ, और आठों कोनों पे हमारा क्या रहता है, एक एक परमाणु विद्यमान रहता है। जैसे मान लीजिए इस बार आठ कोने हैं और इन आठों कोनों पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक परमाणु रखने जा रहा हूँ, समझिएगा। ये एक परमाणु रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ, आठ कोने, आठों कोनों पे एक एक परमाणु रखा गया। चार ऊपर दिख रहे हैं, चार नीचे दिख रहे हैं, ठीक।
अब इससे रिलेटेड ना कुछ बातें करनी पड़ेगी। जो आपका आद्य केंद्रित संरचना आता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आता है, ये सबसे आधारभूत संरचना मानी जाती है। आधारभूत वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जितनी भी संरचना है इसके बाद आप पढ़ेंगे वो सब कहीं ना कहीं इसको यूज कर रही होंगी, इसका उपयोग कर रही होंगी। मतलब हर संरचना अपने आप में घन्य आद्य केंद्रित मतलब प्रिमिटिव संरचना होती है, ठीक है। इसलिए प्रिमिटिव को पूरी डिटेल से समझना जरूरी है, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ध्यान देना, सबसे पहला काम हम लोग को क्या लाना रहेगा इसमें, तो इसमें हमको सबसे पहली चीज जो लानी रहेगी वो लाना रहेगा हम लोग को कि प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो भैया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे लाते हैं, तो हम पूरे एटम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं आठ कोने हैं और हर कोने पे एक एटम है, तो भैया आठ एटम हो गए। अब बात ये आती है कि ये कहाँ के एटम है, ये है कोने के एटम। और अभी अभी तो आपने सीखा है ना कि कोने के एटम की हिस्सेदारी भागीदारी कितनी ली जाएगी, एक बटा आठ ली जाएगी। सॉल्व किए कितना आया इसका जेड का वैल्यू, वन आ गया। तो पहला रिजल्ट हमारा तैयार, जेड का वैल्यू कितना आया, वन। दूसरा प्यारे बच्चों आपको इसकी समन्वय संख्या बतानी है। समन्वय संख्या एक्चुअल में क्या होता है, तो समन्वय संख्या इंग्लिश में आप नाम देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब समझना कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे परमाणु आपको बना के दिए, अब मैं बोल रहा हूँ ये बीच वाला जो परमाणु है ना इसकी समन्वय संख्या बताइए। तो समन्वय संख्या का मतलब यही है कि एक परमाणु और कितने परमाणुओं के सीधे संपर्क में है, समझ में आई, वही उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। जैसे इसका समन्वय संख्या कितना होगा, अभी बोलोगे तो सर दो है, अगर मैं ऐसा करके दे दूँ, अब मैं पूछूँ समन्वय संख्या कितनी है, तो अब बोलोगे सर इसका समन्वय संख्या अब चार है, क्योंकि ये चार अलग अलग लोगों के सीधे संपर्क में है, ठीक। अभी अगर बात हो रही है घनीय संरचना की या सॉरी आद्य केंद्रित संरचना की, तो यहाँ की समन्वय संख्या पे थोड़ा ध्यान देना ना आप, जैसे फोकस करना कि मान लो ऐसा है, ये कोने में मैंने एक परमाणु लिया, अब ये परमाणु इसके तो संपर्क में रहेगा, ये स्वाभाविक सी बात है, इसके भी संपर्क में रहेगा, कितने हो गए ये दो दो, इसके भी संपर्क में रहेगा। मतलब ये अपने जो अक्ष है ना, ठीक है, सॉरी जो एक फलक है, एक फलक मान लो मैंने ना ये सामने से इस फलक को निकाल दिया, जब मैं सामने से इस फलक को निकाल रहा हूँ तो प्यारे बच्चों ध्यान देना हर जगह क्या रहेगा, एक एक गोल गोल परमाणु जो एक दूसरे के क्या हैं, टच में हैं, जो एक दूसरे को क्या किए हैं, स्पर्श किए हैं। तो हर फलक का थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, उसको नोटिस कर लेना, कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा कोई कम खाया है, पर सबके साइज बराबर है ना, क्योंकि भैया परमाणु एक ही तत्व के तो सेम लेना। तो ये तो अपने चारों के रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर के चारों के रहेगा, नीचे के तीन के इधर वाला बस छूट जाएगा ना, जो इसके जस्ट अपोजिट है वो बस छूटेगा। तो टोटल आठ है, एक को तो आपने पढ़ाई के लिए ही ले लिया, उसको थोड़ा भी गिनेंगे, बाकी छह के संपर्क में रहेगा। तो समन्वय संख्या इस बार कितनी आ गई, छह आ गई। तीसरा पॉइंट यार बच्चों, तीसरा पॉइंट है ए मतलब क्या होती है, ये भुजा की लंबाई, ये जो घन है तो घन की भुजाएं तो सभी ओर से क्या होती हैं, एक समान ही होती हैं। तो ये जो घन की भुजाएं हैं, ये मान लो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारे पास a, ठीक। और ध्यान देना ये a था कुल इस फलक की लंबाई, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है r, ये भी डिस्टेंस क्या है r, क्योंकि ये क्या है स्पीयर, स्पीयर का क्या होता है, खुद का रेडियस। तो मैं अगर बोलूं a और r, r देखो a क्या है भुजा की लंबाई, घनीय भुजा की लंबाई, और r क्या है परमाणु की त्रिज्या। तो भुजा की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या, घन की भुजा की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में अगर संबंध बताना है आपको, ठीक है, तो संबंध आप साफ साफ देख पा रहे हैं, ये डायग्राम ही आपको बता रहा है कि ये r और ये r मिलकर तो इस a के बराबर है। मतलब सीधे सीधे रिलेशन आया 2r इक्वल टू a, या r की वैल्यू कितनी आ गई a बाई टू, ये बन गया इनके बीच का आपस में संबंध। तो घनीय संरचना के रिलेटेड तीन पॉइंट तो हमने अभी पकड़ा, अब इन तीनों पॉइंट को तो मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए। अब यहाँ से आप लोग देखो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायग्राम को थोड़ा रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये चलो डायग्राम भी तो क्लियर हो ही गया ना, ठीक है, इसको भी हटा ही रहा हूँ, ठीक। आपने ए और आर के बीच का संबंध ला लिया, अब प्यारे बच्चे आपको क्या लाना है, तो अब ध्यान से देखेंगे
आपको जो चौथा पॉइंट लाना रहेगा वो लाना रहेगा संकुलन गुणांक। क्या नाम देंगे? संकुलन गुणांक। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन तो आप समझिएगा, मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा कार्टून लिया, ठीक है, उस कार्टून में मैंने ना 50 ठोक टेनिस की बॉल डाल दी, गोल गोल रहती है बॉल्स जैसे हम खेलते हैं, क्या उस कार्टून का पूरा आयतन उन किंदों ने कवर किया है क्या? तो आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि अगर पूरा आयतन अगर कवर किया रहता ना तो अगर मैं उसमें जाके थोड़ा रेती डालूं तो रेती घुसता नहीं, क्योंकि 100% आयरन तो कवर आयतन तो कवर हो गया है, पर ऐसा तो होगा नहीं, रेत तो जाके बैठेगा बीच बीच में, क्योंकि जब जब दो दो तीन तीन बॉलें आपस में मिली होंगी उनके बीच में थोड़ा जगह बच ही जाएगा, सब गोल गोल है ना भाई। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो परमाणु है वो घन के क्या है? अंदर है, और परमाणु कैसे है? गोल गोल। परमाणु जब भी एक दूसरे के संपर्क में आएंगे थोड़ा जगह बच ही जाएगा, वो जो थोड़ा जगह बचता है ना बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड स्पेस, मतलब रिक्तिका, नाम ही है रिक्त स्थान, रिक्तिका। और जो जगह घेरा जाता है परमाणु के द्वारा उस घन के अंदर वो ही कहलाता है संकुलन गुणांक, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब परमाणु ने उस घन के अंदर, उस यूनिट सेल के अंदर, एकक कोष्ठिका के अंदर कितना जगह कवर किया। समझ में आया? अब जैसे इसको थोड़ा आप समझना, आप लोग साल भर पढ़ाई करते हो और आप कितना मार्क्स कवर करते हो उसी से तो आपका परसेंट बनता है ना। तो अगर संकुलन गुणांक लाना है तो इसको भी वैसे ही समझो, आपको पहले परसेंटेज अपना कैसे लाते थे आप लोग? आप अपना परसेंटेज कैसे लाते थे कि सर कितना आप नंबर पाए और टोटल कितने नंबर थे? 5 पेपर दिलाए 500 से डिवाइड करते थे, 6 पेपर दिलाए 600 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ही यही है कि यह आयतनों का अनुपात है। अब किसका किसका आयतन? तो पहले तो कुल आयतन, कुल आयतन मतलब घन का आयतन, कुल आयतन का मतलब ही प्यारे बच्चों फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप समझना क्यों आ रहा है ऐसा। कुल आयतन बोले तो घन का आयतन, क्योंकि घन के अंदर ही तो परमाणु है ना, एकक कोष्ठिका कैसी ली गई है? घन ही ली गई है। और डिवाइडेड बाई ऊपर, सॉरी न्यूमिनेटर में, अंश में क्या रखा जाएगा? परमाणु का आयतन। किसका आयतन? परमाणु का आयतन। तो प्यारे बच्चों आप यहां से डाटा रख दीजिए, परमाणु का आयतन आप सबको पता है क्या होता है? 4/3 πr³। क्यों? क्योंकि एक गोले का आयतन तो यही है ना, और परमाणु कैसा है? गोलाकार है। डिवाइडेड बाई घन का आयतन aq। अब a का डाटा तो आपको पता है r के टर्म में, तो इसको रख दीजिए यहां पे, ये हो गया 4/3 πr³। a की वैल्यू r के टर्म में कितनी है? 2r, तो 2r का क्यूब। इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूं ना, इसकी जरूरत अब हो गई, ठीक। चलिए तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो अब आपको पैकिंग फ्रैक्शन जो मिलेगा, आप सॉल्व कीजिए, ये हो गया 4/3, ऊपर में है πr³ डिवाइडेड बाई 8r³। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने से इसका पैकिंग फ्रैक्शन जब सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा भैया? π/6। सॉल्व करके देख लेना। और इस π/6 की वैल्यू को, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.14। इसको जब रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.524। मतलब प्यारे बच्चों हमारा पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन गुणांक का वैल्यू कितना आ गया? 0.524। अच्छा, एक आता है पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता, ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि वो जो स्फेरिकल एटम है ना, जो गोलाकार परमाणु है, वो उस घन में कितना जगह घेर रहा है, ठीक है। तो भैया इसको लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको लाने के लिए आपने जो पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन गुणांक लाया है ना, उसमें 100 का लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये चौथा पॉइंट था, मैं इसको पांचवा पॉइंट नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो भैया पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू कितना हो गया? 0.524 इंटू कितना कर दो? 100। जब करेंगे तो यह 52.4% में आएगा। एफिशिएंसी हमेशा किस में लेना है? परसेंट में। तो ये बन गया मेरा पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब संकुलन क्षमता का मान। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सब कहीं ना कहीं आपको अलग अलग एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, ठीक है। अलग से एक पॉइंट और जोड़ दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसमें आपसे रिक्तिका के बारे में पूछा, रिक्तिका का मतलब क्या होता है? वॉइड स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? वॉइड स्पेस। ये वो जगह होता है ना, जब आपने एक घन के अंदर गोलाकार परमाणुओं को रखा,
तो वो परमाणु कुछ जगह घेरेंगे और कुछ जगह उनके मिलने में जब भी मिल रहे होंगे ना, तो कुछ जगह क्या हो रहा है, खाली। तो उसी खाली जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिक्तिका। रिक्तिका मतलब वॉइड, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। तो ये कैसे लाना है, तो भैया 100 माइनस कर दीजिए भरा हुआ जगह, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 47.6% आ जाएगा, तो वॉइड स्पेस भी आप लोग को मिल गया। तो ये 5 से 6 पॉइंट हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। इसी में एक चलो और पॉइंट बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट और, सातवां पॉइंट कि मुझे ए और डी के बीच का संबंध लाना है। ए और डी के बीच का संबंध, डी क्या है, डी जो है प्यारे बच्चों वो दो परमाणुओं के मध्य का न्यूनतम दूरी है, दो परमाणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। अच्छा ए क्या है वो तो सब जानते हो, ए क्या है, जो आपने एकक कोष्ठिका ली है ना, घनीय एकक कोष्ठिका, उसकी भुजा की लंबाई क्या होती है, ए, ये तो पता है। दो परमाणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, ये दो परमाणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी तो तभी होगी जब वो दोनों परमाणु एक दूसरे के सीधे सीधे संपर्क में हो। तो जब वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो, याद रखना दूरी सतह से नहीं केंद्र से ली जाती है, तो केंद्र से ये दूरी कितनी हो गई r, और केंद्र से ये भी दूरी कितनी हो गई r। तो दो परमाणुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होगी वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 2r, इसके केंद्र से लेकर इसके केंद्र के बीच की दूरी। और ये न्यूनतम दूरी ही तो है क्योंकि दोनों सीधे सीधे संपर्क में है ना। तो आपको ये रिलेशन पता चल चुका है, d इक्वल टू क्या है, 2r। और आपने ये बात तो पहले से जान रखी है कि d 2r इक्वल टू क्या था, इस केस में सरल घनीय के लिए 2r इक्वल टू तो a था, तो d इक्वल टू भी हम लोग को क्या मिल गया, a आ गया संबंध। तो ये हमने पहले हमारे इकाई कोष्ठिका के बारे में पढ़ा, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, जिसका नाम क्या था, सरल घनीय सेल या आद्य केंद्रित प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। और उससे रिलेटेड ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखवाए हैं प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे पॉइंट्स ना इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम इसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरे स्ट्रक्चर के लिए आते हैं, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, तो अब मैं बात करूँगा आप लोग को, ये रहेगा आप लोग का सेकेंड स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको हम लोग नाम देते हैं BCC। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम नाम देंगे इसको अंतःकेंद्रित घनीय सेल, अंतःकेंद्रित घनीय सेल, ठीक। तो अंतःकेंद्रित घनीय सेल या इकाई कोष्ठिका, ऐसा भी बोल सकते हो, इकाई कोष्ठिका। अब इसकी क्या खास बात होती है, इकाई कोष्ठिका ना लिख देना, ठीक है, इसकी क्या खास बात है भाई। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार पहले आप लोग देख लो, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा इस दफा कि यहां पर क्या हो रहा है, एक घनीय सेल है, उसके 8 कोनों पे आप लोगों को एक एक परमाणु दिख रहा है, और उनके अलावा उसके बीचों बीच में एक अलग से परमाणु बैठा है। नामी क्या है ना, अंतःकेंद्रीय। अंतःकेंद्रित का मतलब कि जो पूरी संरचना है उसके बिल्कुल अंदर में एक अलग से परमाणु बैठेगा ना। आप लोग को ऋतिक रोशन की एक मूवी देखी होंगे, बैंग बैंग करके एक मूवी आई थी, बहुत बढ़िया मूवी थी। तो उसमें ना वो जो कोहिनूर छुपाया जाता है जिस क्यूब के अंदर, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो टच करते हैं वो क्यूब कोहिनूर बाहर आता है, और फिर टैप करने से वो कोहिनूर अंदर चले जाता है। तो जब वो कोहिनूर अंदर जाता है तो उस जो घनीय डब्बा रहता है ना, जो क्यूबिकल बॉक्स रहता है, उसके बीचों बीच में जाके बैठेगा, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो BCC स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होगा कि बीच में कोहिनूर बैठ गया और चारों ओर से डब्बा ब्लैक। तो साफ साफ आपको डायग्राम तो समझ में आ गया। मैं भी एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ कि भैया एक क्यूब था, ठीक है, एक घन था, पहले एक क्यूब बना लिए, फिर क्या होने वाला है। मैंने पहले भी ये बात बोली कि चाहे आप BCC पढ़िए, चाहे FCC पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, हर स्ट्रक्चर अपने आप में एक क्या है, पहले तो सरल घनीय संरचना है, मतलब कोने पे तो आपको परमाणु पहले पहुंचाने हैं। ये देखिए, हर कोने पे आपने क्या किया, परमाणुओं को पहुंचा दिया, 8 कोने 8 परमाणु पहुंच गए। साथ ही साथ आपने देखा था ना भी डायग्राम में कि एक परमाणु ऐसा रहेगा ना जो इस पूरी संरचना के बीचों बीच उपस्थित रहेगा, इसकी तरह, नीले वाले परमाणु की तरह। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। पहला पॉइंट आप सबको पता है क्या लिया जाता है,
कि प्रति एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है लिख देता हूं मैं, प्रति एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, या इकाई कोष्ठिका भी बोल सकते हो, कोष्ठिका बड़ा अच्छा सा नाम है, में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो ध्यान देना ना कितने आएंगे, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं जेड से। कितने कॉर्नर के एटम है, आठ। और आप सबको पता है कोने के एटम का योगदान कितना होता है, तो भैया कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है प्लस। कितने बीचों बीच में एटम है, सेंटर में कितने एटम है, एक। और अभी अभी मैंने ये वीडियो स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि जो सेंटर में एटम होता है, जो केंद्र में परमाणु होता है, उसका योगदान भी कितना रहता है, 100%, मतलब 1। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 8 × 1/8 1+1, जेड की वैल्यू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इस बार हम लोग को कितना मिल गया, 2 मिल गया। याद रहेगा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर लाना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये वाले को थोड़ा ध्यान से समझना ना, कि मान लो ये कमरा है, ये उसका छत है, उस पर चार परमाणु है, और ये उसका क्या है, फ्लोर है नीचे का, ठीक है सतह है, उसमें चार परमाणु है और कमरे के बीचों बीच में एक परमाणु है। तो ये वाला जो परमाणु है ना, ये ऊपर के चारों के टच में भी है और नीचे के चार के टच में भी है। मतलब कि यहां पर जब मैं समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर लाने जाऊंगा, सीधे सीधे मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। सोचने की बात थी, आराम से हो गया कहानी, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक। थर्ड पॉइंट, चलो थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट में याद रखना, हम ए और आर के बीच का रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है, ए एवं आर के मध्य संबंध। तो ए और आर के मध्य जब आप संबंध ले रहे हैं ना, तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा आप यूज करना। क्या, कि जब आप इसका संरचना बनाएंगे ना एक्चुअल, तो आप देख पाएंगे कि क्या हुआ था, कि भैया सामने एक फलक है और पीछे एक फलक है, अब बीच में क्या है, केंद्रीय परमाणु उपस्थित है। समझ में आ रही बात है, यहाँ एक छोटा सा डायग्राम आया होगा, उससे आपको चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी कि बीचों बीच में क्या है, एटम है। तो ये मान लो ये मेरा ना सामने का फलक है, और ये वाला जो है ना मेरा, ये बैक फेस है, पीछे का फलक है, और ये क्या है, फ्रंट फेस है, सामने का फलक है, अग्र फलक है, ठीक है, और वो पश्च है। तो अग्र फलक का टॉप का एटम और नीचे पीछे वाले फलक के बॉटम का एटम, ऐसे जब एक डायगोनल जाएगा ना, एक विकर्ण जाएगा, उसी वो विकर्ण ना बीच वाले परमाणु से, मतलब आप एक कमरे का एनालाइज करो, मेरे कमरे में ये बोर्ड एनालाइज करो, ठीक है, ये बोर्ड तो खैर 2 डायमेंशनल, कमरा ही एनालाइज करो, मतलब एक कमरे के सामने वाले फलक के ऊपर का परमाणु, पीछे वाले फलक के, मतलब ये जब मेरे पीछे दीवार है, उसके बॉटम का परमाणु ऐसे आके जुड़ रहा है। जब ऐसे जुड़ रहा है तो कितने फलक यूज हो रहे हैं, कितने फलक यूज हो रहे हैं, तो 2 फलक यूज हो रहे हैं। समझना बात को, कितने फलक यूज हो रहा है, 2। अच्छा, मैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूँ। ये मान लो कि अगर ये एक वर्ग है, ये ए है, ये ए है, तो सबको पता है ये वाली पाइथागोरस थ्योरम लगाने तो सबको आता है ना, कि भाई अगर आधार और लंब दोनों ए ए हैं, तो विकर्ण कितना आएगा, कर्ण कितना आएगा, √2 आएगा। ये तब के लिए था जब एक फलक था, एक फलक के लिए √2। तो बेटा 2 फलक है ना, सामने का टॉप का एटम और पीछे वाली दीवार के बॉटम का एटम, मतलब नीचे का एटम, 2 अलग अलग फलक यूज हुए। तो उस समय जो टोटल दूरी आती है, जो विकर्ण की लंबाई आती है, ये विकर्ण की लंबाई आप याद रखेंगे √3 आएगी। एक फलक हो तो √2, 2 अलग अलग फलकों की बात होगी √3, सिंपल सी बात है। तो आप यहां से साफ साफ समझ गए कि √3 तो आएगा, पर ये जो विकर्ण बना है, ये विकर्ण 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। पहले परमाणु का आप क्या ले रहे होंगे, पूरी त्रिज्या का 1/3, दूसरे वाला जो बीचों बीच है उसका पूरा व्यास आ रहा होगा, और जो नीचे है उसकी भी त्रिज्या, मतलब r + 2r + r, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि √3 = क्या आ गया, 4r। तो यहीं से हमारा संबंध बनना शुरू हो गया कि a = क्या है, 4r/√3, या कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है कि r = क्या है, तो a√3/4। ये बना आपका a और r के बीच का सिंपल सा रिलेशन, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना ना, ये पॉइंट कि अगर 2 फलक हैं तो a√3 दूरी आएगी, विकर्ण की लंबाई, और इस विकर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल, मतलब कि पूरे के पूरे बॉडी का क्या है, ये विकर्ण है।
और ये जो विकर्ण है ये विकर्ण एक फलक का विकर्ण है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फेस डायगोनल। जब एक फलक की बात हो, जब पूरी संरचना पूरे बॉडी की बात हो तो ये क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल। बात समझ रहे ना, अगर एक दीवार का डायगोनल फेस डायगोनल, फलक विकर्ण, और अगर पूरे सामने वाली दीवार से लेके पीछे वाली दीवार तक को पूरा मिलाना हो तो पूरा बॉडी के बीचों बीच से गया ना वो, इसलिए उसको नाम दिया जाएगा बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल का जो लेंथ आता है, जो लंबाई आती है, वो ए रूट तीन होती है। ठीक, ये छोटी सी बात थी। अब आपको ए और आर के बीच का संबंध तो मिल ही गया। चौथा पॉइंट हमेशा क्या लाना रहता था, चौथा पॉइंट लाना रहता था पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब संकुलन गुणांक। हिंदी में नाम लिखते रहना ना, क्योंकि मैं पहले लिखवा चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं करता मेहनत। ठीक, तो संकुलन गुणांक, पैकिंग एफिशिएंसी, ये हमेशा क्या होता था, ये होता था कुल आयतन। कुल आयतन मतलब घन का आयतन, और घन का आयतन कितना है, ए क्यूब। आप बोलोगे घन का आयतन क्यों, अरे हम तो सारी की सारी संरचना ही क्या मान चल रहे हैं, क्यूबिकल, घनीय संरचना ही तो मान के चले हैं। हमारी जो एकक कोष्ठिका है, जो इकाई सेल है, यूनिट सेल है, वो क्या है, घनीय है, तो उसका आयतन ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब होता है। और ऊपर में आता था परमाणु का आयतन, परमाणु गोलाकार होता है, इसलिए 4/3 πr³। पर मेरे प्यारे बच्चों, इस बार आप समझिए, इस बार ना आपके पास पर यूनिट सेल में कितने परमाणु उपस्थित हैं, 2। ये एक परमाणु का आयतन है, अगर 2 परमाणु है तो यहां पर आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, z का। 3 परमाणु रहते तो 3 का करते, 10 परमाणु आते तो 10 का मल्टीप्लाई करते ना, इसलिए मैंने सिंपल किसका मल्टीप्लाई किया, z का। अब z की वैल्यू रख दीजिए तो बीसीसी के लिए z तो 2 आया है, और ये हो गया 4/3 πr³, नीचे a, a का रिलेशन r के टर्म में तो आपने ला रखा है 4r/√3, इसका क्या करेंगे, होल क्यूब। r³ कैंसिल होगा, सारा नंबर वंबर जब आप सॉल्व करेंगे ना, तब आप पाएंगे कि इस बार जो पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन गुणांक आएगा वो आएगा 0.68। जैसे ही 0.68 संकुलन गुणांक आया, आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल गई, इसमें 100 का गुणा करा दो कितना आ गया, 68%। कहानी खत्म, 68% आ गया, तो पैकिंग एफिशिएंसी मिल गई। अब इसी में अगर मैं 6th पॉइंट पूछूं कि चलो मुझे आप रिक्त स्थान या रिक्तिका की वैल्यू बता दो, रिक्तिका, रितिका मत बोलना, ठीक है, वॉइड स्पेस बोलते हैं, जो खाली रह गया, जो जगह छूट गया, तो आप क्या करेंगे, 100 में से पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस करेंगे, मतलब 100 - 68 कितना स्थान बीसीसी स्ट्रक्चर में रिक्त रह जाता है, तो 32% स्थान पूरे स्थान का रिक्त रह जाता है। ठीक है, और इसी में मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ए और आर के मध्य, डी के मध्य संबंध, डी के मध्य अगर मैं संबंध बनाऊं, तो इसके संबंध में क्या आएगा, तो आप साफ साफ समझ रहे हो, डी हमेशा से किसकी इक्वल है, 2r, मतलब 2 इस r की जगह पे क्या मैं √3/4 रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, अभी तो लाया हूं ना रिलेशन, r = √3/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलो इसको हटा रहा हूं मैं अब, तो यहां से आप साफ साफ पा पाएंगे कि d = √3, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया ना, √3/2, ये आया आपका संबंध। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में 7 डिफरेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी, और मज़ेदार है बेटा, बस आपको ना वही है कि एक बार ना चीज़ें पकड़ में आनी चाहिए, बाकी तो बहुत आसान होगा। अब बीसीसी वाला ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें 2 फलकों को आप लोग कवर कर रहे होते हैं। अब तीसरा वाला तो एकदम आसान होने वाला है, चलो अब तीसरे वाले पे आते हैं बिना विलंब किए, ये सब उतार लिए होंगे, हटा रहा हूँ मैं। ठीक, हमारे तीसरे घनीय सेल या इकाई कोष्ठिका में हम आते हैं और उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, तीसरा इकाई कोष्ठिका हमारा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या नाम देंगे इसको, हिंदी में नाम देंगे फलक केंद्रक, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। चलो, डायग्राम दिख रहा है साफ साफ आपको कि हुआ क्या है, कि एक क्यूब है, एक घन है, उसके 8 कोनों में एक एक परमाणु मौजूद है पहले से, और हर फेस, एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, आमने सामने पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं, ठीक है, 6 फलक होते हैं, और हर फलक के केंद्र पे इस बार क्या किया, एक एक परमाणु को बैठाया है।
मतलब कोने के आठ परमाणु, आठ कोने में हर कोने पे एक एक परमाणु है तो आठ परमाणु, और हर छः के छः फलक के बीच बीच में एक एक परमाणु दिख रहा है ना आपको सही से, तो टोटल यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 14, 14 परमाणु हैं हमारे पास इस बार। तो आपको मैं थोड़ा सा ये अपने डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि इस बार हुआ क्या है, तो आप साफ साफ समझ पाएंगे कि ये तो हमारा मान लीजिए एक घन हुआ, ठीक, उस घन के कोने कोने में हमारा क्या है, एक एक परमाणु हमने रख दिया, ठीक, आठ कोने, आठ कोने के परमाणु हो गए। साथ ही साथ हमको क्या करना था, हर फलक के केंद्र पे एक परमाणु रखना था, मतलब ये जो है ये टॉप फलक है उसके केंद्र पे एक परमाणु रख दिया, ये मेरा राइट फेस है उसके केंद्र पे एक परमाणु रख दिया, दिख रहा है ना ये, फिर ये देखो ये बॉटम वाला है सबसे निचला सतह है इसके केंद्र पे एक परमाणु रख दिया, ये मेरा दायां वाला हिस्सा है या बायां वाला हिस्सा है इसके केंद्र पे एक परमाणु रख दिया, ये जो है ध्यान देना ना, ये ऐसा मैं आन लो मिला रहा हूं मैं, ठीक, ये जो है आपका, ये आपका सामने का हिस्सा है, तो मान लो मैंने यहाँ पर एक परमाणु रख दिया, और ये जो है प्यारे बच्चों ये पीछे का हिस्सा है, तो यहाँ पे मैंने एक परमाणु रख दिया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि टोटल आठ कोने में और छह फलक के केंद्र में ऐसे परमाणुओं की व्यवस्था हुई है यहाँ पे। तो अगर मैं पहला अपना स्टेटमेंट लाऊं जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी आएगी, ठीक है, तो आप ही बता दो ना, में परमाणु की संख्या, तो ध्यान देना ना, कंट्रीब्यूशन इसलिए सीखे थे, देखो बहुत आसान है ये चीजें, बस अर्थ कि आपको सोच सोच के पढ़ना है, नहीं तो फॉर्मूला रटते रटते ना, इतना बड़ा सिलेबस होता है ना ये, और एक अकेला सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना नहीं रहता है, केमिस्ट्री फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है, बायो होता है, दुनियादारी के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो सबको थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना है। तो जेड जो आया आप ध्यान से देखें, कोने में कितने परमाणु, आठ, और कोने के परमाणु का योगदान कितना होता है भैया, एक बटा आठ, तो एक बटा आठ सबका अपना अपना योगदान, गुणा करा दिया, प्लस फलकों के केंद्र में कितने परमाणु आए हैं, आप बोलेंगे सर छह आए हैं, और अभी आपने पढ़ा था वीडियो जब स्टार्ट हुआ था कि फलक केंद्रित परमाणुओं का योगदान हिस्सेदारी कितना रहता है, 1/2, उनका कंट्रीब्यूशन कितना लेता है, 1/2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे ये 1 आया और यहाँ आया 3, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मतलब प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या आपको इस बार कितनी मिल गई, जेड की वैल्यू 4 मिली। सरल घनीय में 1, BCC में 2 और FCC स्ट्रक्चर में कितना आया, 4 आया, वेरी इजी। अब प्यारे बच्चे दूसरा काम हम लोग को क्या करना है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर लाना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लाना है ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने ये वाले परमाणु को चुन लिया, ये परमाणु ना, ठीक है, केवल दो लोग के संपर्क में नहीं आएगा, कौन से दो लोग, जो जस्ट इसके अपोजिट में है, ये वाला, ठीक है, और ये तो खुद गिना नहीं जाएगा कि जिसको आपने पढ़ाई के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये वाले परमाणु का टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 2 आएगा, मतलब आपने इसको नहीं गिना ना, इसके आजू बाजू वालों को गिना बस, तो एक को आपने चुना है, ये बस एक ही आदमी के संपर्क में नहीं आएगा, वो है केवल उसके जस्ट विपरीत वाला, ठीक है, बाकी कितने टोटल कितने लोग थे, 14 लोग थे, 14 एटम्स थे, 8 कोने में थे और 6 कहां थे, फेस के सेंटर में थे, फलक के केंद्र में थे, तो 2 को हटा दो, बाकी वो 12 लोग के कांटेक्ट में रहेगा, मतलब समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार कितना आया, 12 आया। चीजें रटनी नहीं है, एनालाइज करना है, जानना है चीजों को, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि भैया ए और आर के मध्य में क्या संबंध आएगा, ए एवं आर के मध्य संबंध, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही से तो आप लोग संकुलन गुणांक लाएंगे। तो ए और आर के मध्य जब मैं संबंध देख रहा हूं तब मैं साफ साफ समझूंगा कि मैं एक काम करता हूं, मैं किसी एक फलक को ना पकड़ के बाहर निकाल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये वाला फलक को ना पकड़ के बाहर निकाला, जब मैं उसको बाहर निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ से देखेंगे कि एक संरचना ऐसी होगी जिसके फलक के केंद्र में एक परमाणु है, ठीक है, ये फलक है, और उसके कोने कोने में क्या है, 4 परमाणु। पहले वो चारों परमाणु जब सरल घनीय संरचना होती थी ना तो एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, पर अभी क्या हो गया कि पहले वो संपर्क में थे, अभी एक को लाके ना आप जबरदस्ती उसमें ठूस दिए हैं, जब ठूस दिए हैं तो इसके संपर्क में तो रहेंगे पर आपस में संपर्क में नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा उनमें क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, गैप आ जाएगा, ठीक, तो ऐसा समझ लीजिए।
बनाने की मैंने कोशिश की है। क्लियर ही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दूरी है, ये दूरी क्या है, ए, ये दूरी क्या है, अगेन ए। भैया ये एक ही भुजा है ना, एक ही फलक है, सॉरी एक ही फलक है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, एक आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो अगर ये ए है और ये लंबाई भी ए है, तो ये लंबाई सीधी सी बात है ये ए रूट टू लंबाई होगी, है ना। लंब और आधार अगर ए ए है तो कर्ण को ए रूट टू आना ही है, क्योंकि रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ए रूट टू आ जाएगा आप लोग का। अच्छा यहां ध्यान से देना, ये दूरी क्या है आर, ये तो पूरा व्यास कवर कर रहा ना लाल वाले का, तो ये क्या हो गया टू आर, और ये वाली दूरी भी क्या है आर। तो यहां से आप सीधे सीधे समझ पाए कि आर प्लस टू आर प्लस आर, ये इतना, ये इतनी दूरी किसके इक्वल चल रही है, ए रूट टू के। यही बात मैं पहले भी आपको कहना चाह रहा था कि भैया जब एक फलक रहेगा ना तब दूरी क्या लेना, ए रूट टू, और जब दो फलक आएगा जैसा बीसीसी में आता था वहां दूरी क्या ली जाती थी, ए रूट थ्री। तो आप यहां से साफ साफ पाए कि फोर आर इक्वल टू क्या, ए रूट टू। चलो यहां लिखता हूं अब, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, ए रूट टू अपॉन फोर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फोर है क्या मैं उसको टू इंटू टू लिख सकता हूं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो यहां से आप सीधे सीधे समझ गए कि ये रूट टू और ये टू आपस में कैंसिल होके क्या देगा, ए अपॉन टू रूट टू, आर इक्वल टू ए अपॉन टू रूट टू। या कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर ए इक्वल टू क्या मैं टू रूट टू आर बोल सकता हूं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां से ये रिलेशन आया एफसीसी संरचना के लिए ए और आर के मध्य का संबंध। आप लोग यहां तक का पूरा नोट करो, अब मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चलिए हो गया ये, इसको भी हटा दिया जाए, हटा दिया जाए बिल्कुल टुड़न टुड़न। अब ध्यान से देखिएगा चौथा पॉइंट, हमेशा क्या लाना रहता है चौथे पॉइंट में, संकुलन गुणांक, पैकिंग एफिशिएंसी। और ये किस चीज को बताता है, ये इस चीज को बताता है कि परमाणु ने घन के अंदर कितना जगह घेरा है। तो भैया कितना जगह घेरा है, उसके लिए आप लोग पूरे घन का आयतन और ऊपर में परमाणु का आयतन, परमाणु गोलाकार होता है इसलिए गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। पर प्यारे बच्चों बगल में क्या लगाया जाता है, जेड, क्या लगाया जाता है, जेड। और यहां के लिए अभी अभी आपने पढ़ा था कि z कितना आया था, 4 आया था, इनटू बगल में 4 बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 रूट 2 आर, इसकी घात में 3 लगा देना, a का मान ला के रख दिया आर के टर्म में। अब ये आर क्यूब कैंसिल होगा, जब इसको आप पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही होगी 0.68। अगर पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 आया है तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन गुणांक और पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता, वो कैसे लाते हो, वो लाते हो पैकिंग फ्रैक्शन में 100 का सिंपली मल्टीप्लाई करा के। तो ये हो गया 0.68, पहले वाले का 0.68 आया था, यहाँ 0.74 आएगा। तो 0.74 इंटू 100 किया कितना, 74% पैकिंग एफिशिएंसी आई। इसका अर्थ क्या हुआ कि भैया वो जो परमाणु है एफसीसी स्ट्रक्चर में, वो 74% जगह को क्या किए हैं, घेरे हुए हैं। तो अगर 74% जगह घेरा हुआ है, इसका मतलब खाली जगह कितना है भाई, खाली जगह कितना मिलेगा, खाली जगह हम लोग को, अगर मैं छठवां पॉइंट बोलूं कि वर्ल्ड स्पेस रिक्त स्थान कितना आने वाला है, तो 100 माइनस आप हर बार क्या करते हो, पैकिंग एफिशिएंसी कितना लाया हो, 74%। तो इस बार आपका वर्ल्ड मतलब रिक्तिका कितनी आने वाली है, 100 में से 74 को माइनस कर दीजिए, 26% यहाँ पर क्या रहेगी एफसीसी स्ट्रक्चर में, रिक्त स्थान रहेगा, रिक्तिका रहेगा, इतना स्पेस खाली रहेगा, ठीक है। अब खाली स्पेस को भी अलग से पढ़ना है ना टॉपिक में, रिक्तिका के ऊपर अलग पढ़ाई होगी, ठीक है। अब देखिए सातवां पॉइंट क्या है, ए एवं डी, डी मतलब दो परमाणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, इनके मध्य संबंध, इनका क्या है, ए एवं डी का संबंध। तो भैया हमने तो ये हमेशा से पढ़ा है, दो परमाणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी हमेशा क्या होती है, 2r। और अभी अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ के लिए जो r की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, तो a अपॉन टू रूट टू आई थी, ठीक।
ये टू क्या हो गया कैंसल, तो डी और ए के बीच में इस बार संबंध आया डी इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, या आप बोल सकते हो ए इक्वल टू रूट टू डी। तो अगर आपको बोल दे कि एक एफसीसी संरचना के लिए ए का मान दिया है डी का मान लाओ, सिंपली आ जाएगा, ए का मान पता है रूट टू से डिवाइड कर देना डी का मान आ जाएगा। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे हर प्रकार के एकक कोष्टिका, जिसमें हमको तीन इंपॉर्टेंट कोष्टिका पढ़नी थी और उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट को हमने इंडिविजुअल जाना समझा। और अब एक काम करते हैं, इन सबको एक टेबल में ना एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको पूरा नोट करो। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये एक डब्बा है और इसमें अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी गई हैं वो सब हम लोग को एक साथ करना है। तो अब ये मेरे अकेले का काम नहीं रहेगा ना, आप सबको मिलकर करना है। चलिए पहला, अगर मान लीजिए मैंने एकक कोष्ठिका ले लिया आप लोग का, जिसको हम नाम देते हैं सिंपल क्यूबिक, या इसी को आप लोग बोलते हो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर या सरल घनीय, और हिंदी में एक और नाम देते हैं क्या, आद्य केंद्रित। क्या कहते हैं? आद्य केंद्रित। तो मेरे प्यारे बच्चों आद्य केंद्रित संरचना के लिए आप बता दो जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1। अच्छा यहीं पे और ले लो। दूसरा वाला मान लो बीसीसी है, मतलब अंतः केंद्रित क्यूबिक, ठीक है, अंतः केंद्रित इकाई कोष्ठिका। और तीसरा वाला हमारा क्या होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब फलक केंद्रित। तो जेड इसके लिए 1, बीसीसी के लिए याद आ रहा है 2, और इसके लिए कितना होता है 4। वेरी इजी। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, इसके लिए क्या लाए थे 6, बीसीसी के लिए 8, और एफसीसी के लिए कितना लाए थे 12। सारी चीज़ें मैंने बता चुका है ना, एक एक चीज़ को मैंने रीजन के साथ बताया था। इसका ए और आर के बीच में क्या संबंध था, तो भैया ए इक्वल टू क्या था 2R। इसके केस में क्या, या आर इक्वल टू आप क्या बोल सकते थे ए बाई 2, सिंपल है। इसके लिए क्या रिलेशन था, तो आपने पढ़ा था कि a इक्वल टू आया था 4R अपॉन रूट 3, या R इक्वल टू आ गया था a रूट 3 बाई 4। यहाँ की अगर बात करेंगे तो a इक्वल टू 2√2R आया था, या R इक्वल टू 1a अपॉन 2√2, ठीक। सारा रिलेशन ला चुके हैं ना हम लोग। पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल क्यूबिक या आद्य केंद्रित की कितनी आती थी भैया, से पैकिंग फ्रैक्शन ये आती थी 0.524, तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती थी 52.4%। इसके लिए आता था 0.68, तो एफिशिएंसी आता था 68%। इसके लिए आता था 0.74, तो एफिशिएंसी आता था 74%। अब एक बार आपको पैकिंग एफिशिएंसी मतलब घेरा गया जगह पता चल गया, तो रिक्ति का मतलब रिक्ति जगह भी तुरंत पता चलेगा, 100 से माइनस कर दीजिए, ये आपको मिलेगा 47.6%, ये आपको मिलेगा 32%, और ये मिलेगा आपको 26%। अब प्यारे बच्चों ये ऑलरेडी ना नीट में पूछा जा चुका है ना, ठीक है, डिफरेंट प्रीवियस एग्जाम में इसके सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, इसके भी आ चुके हैं, ये भी आ चुका है। ए और डी के बीच का संबंध, यहाँ पर ए और डी आपस में बराबर आए थे, यहाँ के लिए आपने देखा था कि भैया डी इक्वल टू, चलो याद करो, यहाँ के डी इक्वल टू कितना आया था ए रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ के लिए डी इक्वल टू क्या आया था ए बाई रूट 2। तो चलो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू हो गया, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी एक साथ हमने उसको इकट्ठा कर लिया एक रिकॉर्ड टाइप का। और ये जो बक्सा है, ये जो बॉक्स है, इस पे आप यकीन कीजिए ना आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो थ्योरी वाली पार्ट हुई कंप्लीट, सवाल लगाना आपका काम है, मेहनत कीजिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नया टॉपिक एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखो और खूब पढ़ाई करो। हैव अ वेरी ग्रेट डे।